अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है विजुअल बेसिक यूनिट नंबर वन। इसमें ये सारी मैक्सिमम ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में आ जाती हैं। विजुअल बेसिक जो है ये थर्ड जनरेशन इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1991। इसे 1991 में पहली बार रिलीज़ किया गया। इस पर वीडियो लेक्चर इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर आपके लिए ज़रा ईजी रहेगा। द फाइनल वर्जन वाज विजुअल बेसिक 6.0। फाइनल वर्जन इसका 6.0 है, जो लास्ट वर्जन है बिफोर द रिलीज ऑफ विजुअल बेसिक .NET के बाद जो है 6.0 लास्ट वर्जन है। और ये फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जिसमें आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, मतलब जो मतलब आप खुद हैं, ठीक है, डिज़ाइनर है, वो इसमें अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म कर सकता है। GUI है, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यूज़र मतलब आप, इंटरफेस यानी इंटरफेस करके अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फीचर्स इसके कैसे हैं, इजियर कंप्रीहेंशन है, आसानी से आप समझ सकते हैं। यूज़र फ्रेंडलीनेस है, यूज़र जो है उसको मतलब तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सिर्फ उसने उनमें से टूल्स में से जो है ना चूज़ करना होता है। ये मैं आगे आपको बताती हूँ। भी फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, यानी इजीली और फास्टली आप इस पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। मैनी अदर एस्पेक्ट्स सच एज इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट फीचर्स में विजुअल बेसिक एंड इंटरेस्टिंग टूल टू वर्क विद। ठीक है, विजुअल बेसिक के आगे आप देख सकते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद द VB। विजुअल बेसिक के बारे में यहाँ पर आपको कंप्लीट एक मिलेगा। स्केच VB इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट सिस्टम फॉर क्रिएटिंग सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल एप्लीकेशन डेट रन्स अंडर एनी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन्वायरमेंट, यानी किसी भी विंडोज़ के साथ ये काम करती है। और इसमें क्या है कि प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है। इट वॉज डेवलप्ड बाई द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बेसिक BASIC इन 1970। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक से 1970 में ये डेवलप की गई है। इसमें बेसिक मतलब B फॉर बिगनिंग, ऑल A फॉर ऑल पर्पसेस, S फॉर सिम्बोलिक इंट्रक्शन इंस्ट्रक्शन कोड। सिम्बोलिक यानी जैसे कि अभी ये देखें, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये सिम्बल्स हैं। विजुअल बेसिक प्रोवाइड अ कन्वीनियंट यानी बेहतर मेथड फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस, यानी यूज़र खुद इसमें इंटरफेस कर सकता है। ठीक है, और बाकी इसमें 250 MB की हार्ड स्पेस होनी ज़रूरी है। और इसके एडिशन के लिए दो मेजर इसमें कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, प्री राइटिंग टूल्स कार्ड कंट्रोल्स, ठीक है, और एक है जो कि कम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोग्राम्स कमांड ड्राइव फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लासिकल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओवरऑल अप्रोच टूल VB प्रोग्रामिंग इज टू। अब VB प्रोग्रामिंग क्या करती है, ये सारा आप रीड कर लें, ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, एक ये डेट इंपॉर्टेंट थी बेसिक और 250 MB, और ये जो GUI और ये सारे पॉइंट ज़रा इंपॉर्टेंट थे, बाकी ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, तो अब ये है प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। इसमें मैं आपको सिर्फ ये समझाती जाऊंगी पॉइंट्स, ठीक है, अभी इसमें सिर्फ समझने वाला है, ठीक है। सिलेक्टिंग न्यू स्टैंडर्ड जो है वो EXE होता है, यानी सिलेक्ट अगर आपने नया स्टैंडर्ड विजुअल बेसिक में सिलेक्ट करना है तो उसे EXE कहते हैं। सिलेक्टिंग न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू से आप अपना कोई भी नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं विजुअल बेसिक का, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूँ कि क्या होता है। अच्छा, ये टाइटल बार है। सबसे पहले फॉर्म डिज़ाइन विंडो, ये फॉर्म डिज़ाइन विंडो है जिसपे डॉट बने हुए हैं। अच्छा, ये पिक्चर अगर आप पेपर में ड्रा करेंगे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अच्छा, टूल बार बताइए, तो आपको पता होना चाहिए टूल बार है, ठीक है। और मेन्यू बार क्या है, ये मेन्यू बार है, ये सारे मेन्यूज़ हैं, ठीक है। ये है सिम्बोलिक इंटरफेरेंस जो मैंने ऊपर आपको बताया था, और ये टूल बार, ये भी टूल बार है, ठीक है। प्रोजेक्ट विंडो, ये प्रोजेक्ट विंडो है, ठीक है। प्रोजेक्ट यानी जो आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है उसके लिए विंडो के फीचर्स सारे ये हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपको एक ही बार में चीज़ें समझ आ जाएंगी। टूल बॉक्स बताइए, सारा टूल बॉक्स होता है। अच्छा, आपका जो होता है ना प्रैक्टिकल में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रोजेक्ट कंटेनर विंडो, ये प्रोजेक्ट कंटेनर विंडो होती है। अच्छा, इंटरमीडिएट विंडो कौन सी होती है, ये वाली इंटरमीडिएट विंडो है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ विंडो ये है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ विंडो है राइट हैंड पे। अच्छा, फॉर्म लेआउट, ये फॉर्म लेआउट कहलाती है। ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी कि ये है क्या, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसको रीड कर लीजिएगा। IDE इज मेड फॉर ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इसको भी रीड कर लें। ये आपने मुझे आज बना के दिखानी है पिक्चर, और इसके साथ ये सारी ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है। ये मैं आपको बताती हूँ क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले टूल बॉक्स, टूल बॉक्स जो है ये आइकन होता है जिसमें लेबल होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, बटन कमांड, पिक्चर बॉक्स, फ्रेम, पिक्चर बॉक्स, ठीक है, ऑप्शन बटन, ठीक है, जो कि आपको प्रोग्राम रन करने में मदद देता है। ये सब क्या होता है, इसे टूल बॉक्स कहते हैं।
अच्छा, स्टैंडर्ड टूल बॉक्स कंट्रोल कौन से होते हैं, ये सिलेक्ट का ऑप्शन, यहाँ पे चीज़ें आप एक एक करके डिफाइन। लेबल क्या होता है, अलाउज टू हैव टेक्स्ट दैट डू नॉट वांट द यूज़र टू चेंज, ठीक है, यानी जो कि आपको मदद देता है और ये यूज़र को चेंज नहीं करने देता, सच एज कैप्शन अंडर अ ग्राफिक। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स यानी होल्ड्स टेक्स्ट दैट यूज़र कैन आइदर इंटर और चेंज, यानी आप इसमें ना टेक्स्ट अपना इंटर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कॉम्बो क्या होता है, ये ड्राइंग ड्रा अ कम्बिनेशन लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स, द यूज़र कैन आइदर चूज एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट और इंटर अ वैल्यू, यानी कोई भी आइटम आप चूज करके उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसे कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। लिस्ट बॉक्स क्या होता है, लिस्ट बॉक्स जो है ये लिस्ट शो करता है और इस लिस्ट में आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं इसको, और जो कि एक आइटम्स को दिखाता है एक वक्त में, काफ़ी सारी आइटम्स को, मोर आइटम्स एट अ सेम एट वन टाइम, एक वक्त में बहुत सी आइटम्स दिखा देता है। चेक बॉक्स का साइन ये होता है, ठीक है। अच्छा, ये इंडिकेट करता है यानी जाहिर करता है क्या ट्रू है क्या फॉल्स है विजुअल बेसिक में, और इसमें मल्टीपल चॉइसेस जो है ये शो करता है, डेट यूज़र कैन चूज़, यानी अपनी मर्जी का, ताकि यूज़र कोई भी इसमें से आइकन चूज़ कर ले। उसके बाद है ऑप्शन बटन, ये मल्टीपल चॉइस होता है यानी आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आसान हो जाए तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बटन जो कि आपको ऑप्शन शो करता है, टॉगल ये ऑन ऑफ ऑप्शन, फ्रेम यानी कि ग्राफिकल मतलब कोई भी ग्राफिक्स आप इसमें बनाना चाह रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप फॉर कंट्रोल, ठीक है, फंक्शंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो ये फ्रेम उसके लिए होता है, फर्स्ट फ्रेम भी होता है इसमें, देन ड्रॉ कंट्रोल्स इनसाइड द फ्रेम, और इसके अलावा इन फ्रेम के अंदर भी बहुत से कंट्रोल्स होते हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं। कमांड बटन जो है, कमांड बटन यूज़र कैन चूज़ टू कैरी आउट अ कमांड, जैसे हुक्म देना, ठीक है, उर्दू में इसे कहते हैं, लेकिन कमांड यानी अगर आप अपने किसी भी आप कुछ रन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें यूज़र कोई कमांड देता है कि आप इसको कैरी आउट करो। अच्छा, टैब स्ट्रिप होता है, इसमें मल्टीपल आप पेजेस शो होते हैं, ठीक है, सेम उसी एरिया में उसी विंडो में, और डायलॉग बॉक्स इन एप्लीकेशन, डायलॉग बॉक्स के ऊपर, क्योंकि आपने जो भी प्रोग्राम करना होता है वो डायलॉग बॉक्स के ऊपर होता है। मल्टीपल पेज पे प्रेजेंट मल्टीपल स्क्रीन ऑफ इंफॉर्मेशन एज ए सिंगल सेट, स्क्रॉल बार है इसका तो आपको पता ही है, ऊपर वाला अप करने के लिए, नीचे वाला डाउन करने के लिए। स्पिन बटन जो है, स्पिन बटन ये भी स्क्रॉल बैक करता है, और जो है बैक एंड फोर्थ दो अरेंज ऑफ वैल्यू और अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, इमेज अगर आप कुछ जो है ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये इमेज कंट्रोल के लिए ऑप्शन होता है, और इसमें पिक्चर बॉक्स का ऑप्शन होता है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो ये है कि आपने ये पॉइंट्स याद करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। जी यू आई अक्सर पूछ लेते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बताइए, इसके अलावा बेसिक क्या है ये लिख के दिखाना है, और ये चीज़ें आपने जो है अपने कंप्यूटर पे विजुअल बेसिक इंस्टॉल करके इन चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है। और ये आपको बनाना आना चाहिए, पेपर में मार्क्स अच्छे देगा, ये आपने आज बना के मुझे दिखाना है। नेक्स्ट पे आ जाएं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पीछे पिक्चर बनाई गई है उसके एक एक आइकन को एक्सप्लेन किया गया, ये आपने लिख के दिखाना है पूरा पेज, ये सारा आप लिख के दिखाएंगे, ठीक है। और आप जो है कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ समझ ना आए तो। अल्लाह हाफिज़।